व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स यानी कि आपको क्या निकालना है, एफ, मैग्नेटिक फोर्स एफ बहुत ज़्यादा होती है, एफ एम लिख दो, काय के लिए एफ एम लिख दो, जब बहुत सारे फोर्सेज हो तो एफ एम लिखो, नहीं तो एफ ई लिखो, क्या दिक्कत है। जब क्लास में बहुत सारे एक ही नाम के लोग होते हैं तब लिखा जाता है रंजीत वन, रंजीत टू, रंजीत से काम चला। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, वायर में जो करंट है वो 8 एम्पियर की फ्लो हो रही है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.15 टेस्ला है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो इसको आप फिलहाल एफ डैश मान लो, ऐसे रखा दे दो, हाँ एल को वन हम मान सकते हैं फिलहाल, चूंकि तो नहीं एल को हम क्या मान लें, यहाँ पर 1 मीटर मान लें, ठीक है। तो एफ बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा, यहाँ पर जो थीटा बड़ा कन्फ्यूजन वाला है, थीटा जनरली एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाता है वो हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि किसी कॉयल की बात नहीं कर रहे हैं, एक रॉड की बात कर रहे हैं जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल बनाता है वो थीटा होता है। तो आई यहाँ पर कितना हो गया 8 एम्पियर, बी कितना हो गया 0.15 टेस्ला, एल कितना हो गया 1, और साइन 30, साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो मालूम ही होगी, ये भी निकालोगे 8 × 0.15 साइन 30 वैल्यू क्या होती 1/2, 2 × 4 = 15 × 60, 0.6 न्यूटन, आंसर देख लेना क्योंकि कैलकुलेशन कभी कभी हमसे गलत हो जाता है, ठीक है। तो न्यूटन लिखेंगे, न्यूटन नहीं, एक मिनट सुन लीजिएगा, हमने एल यहाँ पर 1 मीटर पहले से मान रखा है, इसलिए यह न्यूटन पर मीटर नहीं है, ये कन्फ्यूजन वाला है, मैंने माना जरूर है यहाँ पर, लेकिन हमने एल को 1 माना है, चाहो तो लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर, लेकिन हमने यहाँ पर ऑलरेडी एल को क्या मान रखा है, तो हम पूरी रॉड पे यहाँ पर फोर्स निकाल रहे हैं, तो न्यू आप लिख सकते हो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, यूनिट वो भी लिख सकते हो, ठीक है, या एल लेंथ पे फोर्स निकाल लो, क्या होगा आई बी एल साइन थीटा, और इसके बाद जब फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे ना, इसको लेंथ से डिवाइड कर दोगे, जब लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर आई बी साइन थीटा आ जाएगा, तब यहाँ पर यूनिट क्या आएगा न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ न्यूटन भी लिख सकते हो और न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हो, दोनों बातें सही है, ठीक है।